ठीक है, रेमेडीज शुरू करते हैं सर। रेमेडीज में कौन कौन सी रेमेडीज है जो ज्योतिष में बताई जाती है, सब पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिर हम इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि कौन सी रेमेडी जो है बेस्ट काम करेगी और किस जम किस या वक्त पे करेगी, ठीक है। इससे पहले कि कौन सी रेमेडी कौन कौन सी रेमेडीज हैं ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमने रेमेडी से चाहिए क्या। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे किसी की जन्म पत्री है, उसमें प्लैनेट है पी, अभी देखते हो प्लैनेट है पी, अब उसमें है 1 6 6 10 1 6। नाउ मैरिज इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल, मैरिज इज नॉट पॉसिबल। अब हमें क्या करना है, त्रेजा साहब कृपया करके देखें, हमें ये देखना है कि इसकी मैरिज करानी है और इसकी चल रही है दशा। आप बताएं कि इसकी मैरिज कैसे होगी, हमारे तो प्रेडिक्शन होगी कि मैरिज नहीं होगी, अब ये कैसे होगी। तो आपने सर बताया ही हुआ है, नहीं आप तो पढ़ चुके ना सर, जो नहीं पढ़ चुके उसकी बात है। सेवन हाउस को इसमें उठाना है, इसका सिंपल है कि इसमें से 1 6 10 हम मिटा देंगे और 2 7 लिख देंगे, तो हमारे लिखने से क्या होगा। तो जैसे मंगल है, समझ रहे मंगल है, तो मंगल को दूसरे खाने में रख देंगे। वो कैसे उठाएगा सर, फिर आप जीडी का सिस्टम कर रहे हैं, नहीं जाएगा जो लाल चावल खा सकते हैं, किसी का नाम नहीं लिखा मतलब ने, मतलब बात यह है, ठीक है सर मेरे को पता नहीं, फिर कोई बात नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं कि हम इसमें डाल दें, ये डाले तो जा नहीं सकते, बट वो 1 6 10 है उसके को रिड्यूस क्या हम कर सकते नहीं कर सकते, और जो 2 7 11 है जन्म पत्री में क्या हम इंक्रीज कर सकते नहीं कर सकते, किन सिचुएशन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि रेमेडी हो सकती है। रेमेडी उसमें पॉसिबिलिटी है जो मैं समझता हूँ कि मिक्स से हो, जैसे हो गया 1 6 7 6 10 2 7 6 10। अब इसमें क्या है कि 1 6 7 2 7 नेगेटिव कितने हो गए मैरिज के लिए, 1 6 6 10 6 10 पॉजिटिव कितने हैं, 3 1 2 3। अब 3 पॉजिटिव हैं और 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, कुछ तो है, पहले वाले केस में कुछ भी नहीं है, या कुछ है वहां एक कोशिश की जा सकती है, या कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये कहेंगे जैसे अफगानिस्तान के जो यूनिवर्सिटी में सवाल आया, तालिबान यूनिवर्सिटी, 3 बच्चे हैं और 4 सेव हैं, सॉरी 4 बच्चे हैं 3 सेव हैं, कैसे बटेगा, एक को गोली मार, माइंड का माइंड एक माइंड सेट है, तो जहां पर माइंड सेट ही ऐसा है वहां आप उनको ऐसे लोगों को आप बात नहीं कर सकते, रहम की दया की प्रेम की भाषा नहीं समझा सकते। जहां पर थोड़े से समझने वाली बात है वहां पर एक पॉसिबिलिटी बन, तो जहां पर बिल्कुल क्लियर कट न हो वहां करना बहुत मुश्किल है ना, करो जहां पॉसिबिलिटीज है वेयर वी कैन ट्राई टू डू, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये मैं जनरल आइडिया देना चाह रहा था, अब इसके बाद आ जाते हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं और फिर कौन कौन सी रेमेडीज में इफेक्टिव होगी, ठीक है। कौन कौन सी रेमेडी होती है जी सर, दान भी होते हैं, मंत्र दान मंत्र यंत्र यंत्र पूजा लाल किताब नहीं, लाल किताब इनसे अलग थोड़ा बननी चाहिए, लाल किताब में तो यही सारी आ गई ऊपर वाली सर, उसमें मंत्र लिखे हैं लाल किताब नहीं सर, बट मंत्र नहीं बाकी तो सारी चीज आ गई ना सर, दान भी आ गया सर, यंत्र भी मंत्र भी उसमें लिखे हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजर ने खुद किताब लिखी है लाल किताब पे, उन्होंने एंड के पेज सर मैक्सिमम दान है सर वहाँ पे दान, हाँ तो दान ही है, तो लाल किताब का तो अलग से कुछ बनता ही ना सर, कोई बात नहीं, जेम्स वगैरह जेम्स स्टोन्स
और जी व्रत फास्ट फास्ट फास्टिंग व्रत और जी वास्तु सर वास्तु इससे अलग है वास्तु उपाय में आएगा वास्तु सर उपाय है ना रेमेडी उपाय ऐसे नहीं करते कोई वास्तु का उपाय नहीं करते काम नहीं कर रहा है तो सोफे बदल कर दो ऐसा कुछ सर उसको मकान ही ऐसा मिलेगा सर श्योर की जिस जिस तरह के वो कुंडली लेके आओ मकान आप निश्चित तौर पे उसको एटमॉस्फेयर ही ऐसा मिलेगा बच्चा नहीं पढ़ा वो बताते हैं चेयर बदल दो टेबल बदल दो इधर फेसिंग वो कारण बता रहे बट वो प्लैनेट्स के हिसाब से कर रहा है ना वो बच्चा जैसे मतलब नहीं जैसे जो मतलब जैसे बच्चा नहीं पढ़ता तो हम ये सुनते हैं कि भाई बच्चे की टेबल को इधर कर दो या अपना वो बदल दो फेस डायरेक्शन बदल दो अपने बैठने की खड़े होने की उससे चेंज हो जाता है तो वो तो सर एक कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया ना फिर जैसे हम अगर बात करें जो आजकल रेकी हीलिंग वाले हैं उनके बच्चे होंगे वहां नहीं ज्यादा पढ़ना तो वो फिर वो कहते हैं जी इसको हम एनर्जाइज कर देंगे एनर्जाइज कर नहीं नहीं एनर्जाइज की बात नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तु में ऐसा सुना गया क्या ठीक है क्या गलत है आप हमें बता दें यूं बता रहे हैं कि भाई जैसे आदमी जैसे दुकान में बैठा है उसका काम नहीं चल रहा तो वास्तु वाला बोलेगा आप यहाँ नहीं उसी जगह पे सर जो मैंने देखा मेरी प्रैक्टिस में जो आया है अगर आपकी दशा महादशा जैसी चल रही है और उसके अकॉर्डिंग जो या वर्षफल जो बोल रहा है या उसको मकान और उसके घर में एटमॉस्फेयर उसकी चीजें से वैसे की वैसे ही पड़ी होंगी आप वहां से बता सकते हैं आप उससे मैं मान गया अगर हमने उससे दान कर दिया लेकिन हम उसके पास जाएंगे मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ मैं उसके पास जाता हूँ एस्ट्रोलॉजी नहीं आती और उसके सिर्फ उसने वास्तु सीखा है तो सिर्फ वो वास्तु के हिसाब से ही बताएगा वो एडवाइस करते हैं तो वो एडवाइस कर रहे हैं ना तो ये उपाय कर रहे हैं तो उपाय कितना इफेक्टिव है वो भी डिस्कस कर लेते हैं जैसे आप उसमें और क्या तंत्र रेकी और कोई याद आएगा तो बता दो देख लेंगे फेंग शुई हाँ फेंग शुई आजकल चल रही है फेंग शुई या बंद हुई सर बेचने वाले तो इसी को बेच रहे हैं फेंग शुई को बेच रहे हैं बेच रहे हैं खूब बेच रहे हैं लोग सर लाफिंग बुद्धा हाँ आदत नहीं और मतलब बांस लगवा देते हैं घरों में खूब तो ये करके कर लेते हैं कि रेमेडीज क्या है रेमेडीज से क्या होगा अब पहले इसको समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स दान का क्या मतलब सर किसी भी चीज को जैसे कोई मतलब दान हम किसी दूसरे को जो देते हैं मतलब अगर मतलब मंदिर जिस मंदिर में अगर दिया वो तो अगर किसी गरीब को दिया किसी